नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इक्विटी मार्केट में। दोस्तों आज हम जिस शेयर के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है GTL इंफ्रा। GTL इंफ्रा जो शेयर है काफ़ी अच्छा शेयर है, काफ़ी इसने अच्छे खासे रिटर्न लोगों को बना के दिए हैं और हाल फिलहाल में आप देखें तो इसे बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल रही है। ये बहुत तेज़ी से भाग रहा है, अभी जो इसका हाल चाल चल रहा है बहुत तगड़ी इसने तेज़ी पकड़ी हुई है और रुकने का ये नाम नहीं ले रहा है। तो आगे ये कहाँ तक जाने वाला है, क्यों, और मैं बोल रहा हूँ कि आगे और भागेगा ये और बहुत दूर तक, ये लंबी रेखा घोड़ा भी इसको बोल सकते हैं कि काफ़ी दूर तक जाएगा, कि इसका जो रीज़न मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा आपको और आगे किसके क्या टारगेट हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, सब बातें आपको बताई जाएगी इस वीडियो में। बस आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन और अपडेट मिलते रहें। तो हम चल के देखते हैं कि GTL इंफ्रा का क्या हाल चाल चल रहा है। तो GTL इंफ्रा जो है इसमें आज के दिन जो है अपर सर्के देखने को मिल रहा है, ये अभी 1.80 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। आज के दिन इसमें जो है 2.86% का इसमें अपर सर्के देखने को मिला है। अगर मैं बात करूँ कि वन वीक की, तो वन वीक में अगर मैं दिखाऊँ आपको तो वन वीक में पर डे इसमें जो है अपर सर्किट पर अपर सर्के देखने को मिले हैं और इसने लगभग 12.90% ऑलमोस्ट 13% की इसने तेजी दिखाई है और इसने जो हाई बनाया था अपना 1.72 रुपये पर, लो कितना 1.55 रुपये पर एक वीक की बात करें तो, और एक मंथ में अगर आप देखेंगे तो आप देख के चौंकना हो जाएंगे कि क्या इसने तेजी दिखाई है। तो देखें 84.21% तेजी दिखाई है इसने, बहुत ज़्यादा तेज़ी होती है एक शेयर के हिसाब से देखा जाए, क्योंकि ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा लॉस में। आपको पता होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर की जितनी भी कंपनी है ऑलमोस्ट सारी कंपनियाँ लॉस में चल रही हैं, क्योंकि सब कंपनियों को अपना जो प्रोजेक्ट देना पड़ते हैं, बैंक पैसे जो अपना लोन लेके पैसा उठाना पड़ता है और अपने जो उनको कर्ज लेना पड़ता है काफ़ी सारा, तो इसकी वजह से क्या होता है कंपनी बहुत ज़्यादा लॉस में चली जाती है। तो इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है कि यह GTL इंफ्रा ही केवल इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है जो लॉस में, तो सारी कंपनी ही जो होती है इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी सारी लॉस में होती है, तो कोई नया बात नहीं है लॉस में होने का। तो ये कंपनी जो है अच्छी काफ़ी समझ में आती है क्योंकि इसका जो है तेज़ी बहुत तेज़ी पकड़ी हुई है और इसका आगे का भागने का रीज़न ये भी है, क्योंकि ये जो कंपनी है आपको मैं दिखाता हूँ कि आप देखें यहाँ पे तो टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कंपनी है कि टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि ये जो है टावर आवर जो होते हैं जो कंपनी बनाती है, आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े टावर लगे होते हैं हमारे घर के आसपास, तो ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है इन सब चीज़ों की। तो अब आपको पता होगा कि जैसे अपना 4G का टाइम आया था तो बहुत ज़्यादा इस कंपनी में अच्छा तेज़ी देखने को मिली थी, क्योंकि जब कंपनियों को काफ़ी सारे टावर की जरूरत पड़ी थी क्योंकि कंपनियों में एकदम से कॉम्पिटिशन बढ़ गया था, जियो ने सारी कंपनी को ध्वस्त कर दिया था, अपने ज़्यादा ज़्यादा टावर लगाए उन्होंने और सारी कंपनियों को पीछे कर दिया। तो इसमें अब क्या होने वाला है कि 5G के टाइम पर भी ऐसा ही इसमें हो सकता है कि तेज़ी देखने को मिले, अगर ये कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो इसको बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। उसके अलावा 5G के अलावा भी अगर ये अच्छा परफॉर्म करती है, क्योंकि अलग अलग जो कंपनी आ रही है, बड़ी बड़ी कंपनियाँ अब आ रही है सामने निकल के आ रही है, और जो अपना VIVI है जो अपना वोडाफोन आइडिया, वो भी इसको भी अपना अगर इम्प्रूव करना है तो इस कंपनी के सहारे ही इम्प्रूव कर सकती है, क्योंकि टावर तो इन्हीं कंपनी से इनको लेना पड़ेंगे, क्योंकि इस ये सबसे आप मान लीजिए कि एक डोमिनेटिंग कंपनियों में से एक है। अगर मैं बात करूँ कि टावर जो सेक्टर में कंपनियां हैं बनाने में, तो उनमें से एक ये कंपनी GTL इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, तो इस कंपनी का भविष्य काफ़ी अच्छा समय में आता है इस लिहाज से देखा जाए। तो अभी ये थोड़ा कंपनी लॉस में है काफ़ी, लेकिन इससे अगर ये अपना कर्जा जो है चुका लेते हैं तो ये कंपनी जल्दी ही लॉस से निकलती हुई दिखाई देने वाली और बहुत ऊपर दिखाई देखने को मिल सकती है बहुत जल्दी ही। तो अगर मैं बात करूँ कंपनी का मार्केट कैप कितना है, तो मार्केट कैप लगभग इसका 2186 करोड़ का मार्केट कैप है, तो आप बोले इसको स्मॉल कैप कंपनी बोल सकते हैं। और स्टॉक में इसकी रैंक कितनी है, 649 इसकी रैंक है। और मैं आपको बात करूँ कि इसका PE और PB रेशियो देखें, तो PE रेशियो इसका माइनस का 1.72 है। माइनस का 1.72 का सीधे सीधा मतलब यह है कि इसका नेगेटिव है PE जब भी जिस कंपनी का होता है, तो सीधे मतलब होता है कि कंपनी जो है लॉस में चल रही है, कंपनी पे कर्जा है और कंपनी पे काफ़ी ज़्यादा डेप्ट ठीक ठाक है। और अगर मैं बात करूँ PB रेशियो भी इसका माइनस में, क्योंकि इनमें एसेट्स की कमी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि कंपनी के एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा हैं कि ये एसेट्स को अपने बरकरार रख ही नहीं पाते हैं। और अगर मैं सेक्टर का PE दिखाऊँ, सेक्टर का PE तो बहुत ज़्यादा माइनस है, क्योंकि इतनी भी टेलीकॉम सर्विस की कंपनियाँ हैं, ऑलमोस्ट सारी कंपनी को अपने ड्यूज पे करना है, सारी कंपनी लॉस में चल रही है, हर कंपनी को अपना कर्जा चुकाना है और वो अपने कर्जा चुका नहीं पा रहे क्योंकि सारी कंपनियाँ बहुत ज़्यादा लॉस में। आप अगर VI की ही बात करें तो 70,000 करोड़ का कर्जा है, तो हर कंपनी इस समय में आती है कि लॉस में चल रही है, तो सेक्टर ऑलमोस्ट सारा ही लॉस में चल रहा है। PB रेशियो सेक्टर का रैंक काफ़ी अच्छा है और डिविडेंड का कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, डिविडेंड तो देना तो उनके लिए कोई बनता भी नहीं वैसे भी। और आपको देखूँ कि इनका फाइनेंशियल ट्रेंड कैसा क्या रहा है, तो फाइनेंशियल ट्रेंड की अब मैं बात करूँ, लास्ट ईयर देखिए ये कंपनी लॉस में हुआ करती थी, इनमें लगभग 21.06% का लॉस हुआ करता था और रेवेन्यू भी कम जनरेट करते थे, लेकिन इस साल आप देखिए सबसे अच्छा साल रहा इनका फाइनेंशियल ईयर जो 2020 और 2021 था। आप ध्यान से देखिए इसमें 0.81% का रेवेन्यू भी जनरेट हुआ है, साथ ही साथ ये कंपनी प्रॉफिट में भी आना शुरू हो गई है, 31.81% प्रॉफिट, अच्छा खासा प्रॉफिट होता है ये कंपनी की, क्योंकि कंपनी इतनी ज़्यादा लॉस में होने के बावजूद इतने अच्छे प्रॉफिट जनरेट कर ले तो एक कंपनी के लिए बहुत गर्व की बात होती है, क्योंकि इन्होंने अपना जो
फोकस है, काफ़ी ज़्यादा अपने ऊंचाइयों की ओर देखा है और अपने स्ट्रेटजी को चेंज किया, मैनेजमेंट में काफ़ी सुधार किया है, तो काफ़ी ज़्यादा कंपनी को सुधार देखने को मिल रहे हैं। और आगे अगर ऐसे ही करते रहे, जो लोग अच्छा परफॉर्म करते रहे, तो उनको और भी अच्छा परफॉर्मेंस देने को मिल सकती है। और आपका आपका जो आपने भरोसा दिखाया कंपनी पर, तो ये कंपनी भी आपके भरोसे के मुताबिक अच्छा परफॉर्म कर सकती है। तो अब हम चल के देखते हैं इसके फाइनेंशियल्स कैसे रहे। फाइनेंशियल अगर मैं आपको दिखाऊं कि फाइनेंशियल इसने कैसा क्या परफॉर्म किया है लास्ट ईयर, अगर इस साल और लास्ट ईयर को कंपेयर करें, तो आप देखें तो इसका जो है रेवेन्यू लास्ट ईयर से बढ़ा है। ये इस कंपनी के काफ़ी अच्छा पॉजिटिव समझ में आता है कि कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, रेवेन्यू भी बढ़ रहा है। अगर नेट इनकम भी आप ध्यान से देखें, तो नेट इनकम भी आप अगर गौर कीजिएगा कि इनकी नेट इनकम पहले माइनस में 1863.54 हुआ करती थी, अब जाकर कितनी हो गई -1270। तो इसमें भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा सुधार किया, लगभग 600 करोड़ के आसपास उन्होंने सुधार किया। तो ये एक कंपनी के लिहाज से काफ़ी अच्छी बात है कि ये धीरे धीरे अपना लॉस को कम कम कर रहे हैं, इनकम भी जनरेट कर रहे हैं। हालांकि इनका इनकम इतनी ज़्यादा जनरेट नहीं कर पाए, क्योंकि आप एक ध्यान से देखें उनका लास्ट ईयर देखें, अगर रेवेन्यू देखिए कितना था 1437, लेकिन इनकम माइनस में थे तो इनका लॉस हुआ था। लेकिन इस साल आप ध्यान से देखें तो इनका रेवेन्यू अच्छा है और इनकम भी माइनस में कम है, तो इन्होंने अपना ये प्रॉफिट में आना शुरू हो गया, ये भी पक्की बात है। इस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं। अगर आप देखें तो अर्निंग पर शेयर इनकी माइनस की 1.51 हुआ करती थी, इस साल माइनस का 1 हो गई। तो इसमें भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा सुधार किया, अच्छा परफॉर्मेंस दी है लास्ट ईयर से कंपेरिजन कर रहे हैं। तो हम अगर मैं आपको दिखाऊँ होल्डिंग्स इनकी कैसी क्या है, अगर होल्डिंग्स क्या मैं आपको दिखाऊँ, तो होल्डिंग इनकी जो है प्रमोटर होल्डिंग लगभग 3.36% है, और सारी की सारी क्या है गिरवी पड़ी हुई है, गिरवी पड़ी हुई है क्योंकि उन्होंने अपनी कंपनी की होल्डिंग गिरवी इसलिए रख दी है ताकि अपना कर्जा ज़्यादा चुका पाएँ जल्दी और अपना कर्जा कर्ज मुक्त हो जाए और अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएँ। और म्यूचुअल फंड की इसमें कोई भी होल्डिंग नहीं है। और सबसे खतरनाक जो बात समझ में आती है वो है DII, क्योंकि DII में जो बड़े बड़े क्योंकि इन्वेस्टर्स में बैठे हुए हैं, बड़े बड़े लोगों ने इसमें पैसा लगा रखा है, इसलिए ये DII की होल्डिंग जो है सबसे ज़्यादा समय में आती है। तो इसमें आप देखिए तो 60.96 लगभग 61% होल्डिंग जो है DII ने ले रखी है, तो काफ़ी ज़्यादा लोग ये बड़े लोगों ने इसमें अपनी इन्वेस्टिंग और होल्डिंग रखी है। अगर फॉरन इंस्टीट्यूशन की देखिए तो फॉरन इंस्टीट्यूशन ने भी इसमें लगभग 2.23% की होल्डिंग इसमें अपनी ले रखी है, और जो रिटेलर्स हैं उन्होंने भी इसमें 13.44% की होल्डिंग इसमें बनाई हुई है। काफ़ी अच्छी होल्डिंग रिटेलर्स के पास में है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो बात है इस शेयर से जो मैं रेट करूँगा कि इनका जो DII जो है, जो बड़े बड़े लोग इंडियंस के जो इंस्टीट्यूशन है उन्होंने अच्छा खासा पैसा लगा रखा है, और फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने भी इस कंपनी में भरोसा दिखाया, तो ये इस कंपनी के लिए बहुत अच्छा पॉजिटिव देखने को मिलते हैं। तो हम चल के अब देखते हैं कि इसके चार्ट्स पे क्या हालचाल चल रहा है। मैं चार्ट पे आपको दिखाऊं तो ये शेयर था ये बहुत काफ़ी ज़्यादा नीचे हुआ करता था पहले, मतलब कि आप 1 पैसे से अपना 1 रुपये से कम में ट्रेड करता था। इसमें क्या हुआ था, ये जो इसका फेज़ था ये वाला मैं आपको दिखाऊँ, इस फेज़ में इसने जब कंसोलिडेशन इतना चालू कर दिया था, क्योंकि यहाँ से ये गिरना जब चालू हुआ था तो बहुत ज़्यादा इसमें गिरावट देखने मिल गई थी। 1 रुपये का अपना चूँकि हाँ, अगर मैं पहले सबसे ये दिखाऊँ आपको कि ये इस जब लेवल पर पहुंचा था, ये आपका जो लेवल था लगभग आपको दिखाऊँ कि 1.30 रुपये के आसपास का, इस लेवल से गिरना चालू हुआ, फिर ये इसने बहुत अच्छा रेजिस्टेंस का काम किया, ये 1.30 रुपये को तोड़ ही नहीं पाया। इसके बाद ये इस रेंज में आया लगभग लगभग कौन सा अपना 1.20 रुपये की, इससे यहाँ से सब इसने रेजिस्टेंस लिया, फिर ये इसका अपना जो 1 रुपये का सपोर्ट जो अच्छा बहुत अच्छा काम कर रहा था इसको तोड़ के नीचे चला गया, फिर ये इस सपोर्ट को भी तोड़ गया, फिर नीचे आया, फिर जो सबसे अच्छा सपोर्ट इसने जो तोड़ नहीं पाया अभी तक जो अभी दिख रहा है वो दिख रहा है 0.65 पैसे, मतलब कि 65 पैसे का जो सपोर्ट है, बहुत अच्छा तड़ना काम किया, क्योंकि इसमें इस जो रेंज थी 35 पैसे की जो रेंज है इसमें ये लगभग इसमें काफ़ी अच्छा मतलब बना के रखा अपने काफ़ी दिन तक। ये जो मैं आपको दिखाऊँ ये 70 पैसे से 65 पैसे के बीच में 5 पैसे की जो छोटी सी रेंज आप बहुत बोलेंगे बहुत माइनर सी रेंज, इसमें एक ट्राइंगल सा पैटर्न इसने बनाया, मतलब कि उसमें ही कंसोलिडेट करता रहा, वो भी 1-2 दिन नहीं काफ़ी दिन इसने इस कंसोलिडेशन इसमें दिखाया। तो ये मतलब ये तो बात पक्की थी, अब कंसोलिडेशन काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो सीधी सीधी बात है आपको अगर स्टॉक मार्केट बहुत दिन से होंगे कि अगर कंसोलिडेशन काफ़ी दिन तक ये कंसोलिडेशन ऐसा मतलब कि एक ही रेंज में छोटी सी रेंज बना के घूमना, तो उसमें अगर घूमता रहता फिर एकदम से तोड़ता है ना कंसोलिडेशन को, तो ये ऊपर भागता है सीधे। तो यही काम इसने किया कि ऊपर सीधा भागा, फिर रुकने का सामना मिल गया, सीधे ऊपर चलता गया और अब ये काफ़ी ऊपर जा चुका है। तो ये अब काफ़ी ज़्यादा भाग रहा है और ये अब भागने की और भी इससे उम्मीद की लगाई जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे इसके आगे का फ्यूचर जो है ब्राइट दिख रहा है, तो वैसे ही और इस पर लोग पैसा लगा रहे हैं, लोग इसमें भरोसा दिखा रहे हैं अपना। तो अभी मैंने आपको जो लास्ट आपने हमारा वीडियो देखी होगी, तो हमने आपको जो टारगेट दिया था वो दिया था हमने 1.90 रुपये का, ये टारगेट हमने आपको दिया था। तो आपको ये जो अगर आपने पोजीशन ले रखी है, तो इस टारगेट पर पहुंचने पर मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप इसमें
अपने पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करते हुए चले। क्यों बोल रहा हूँ मैं पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करते हुए चले, क्योंकि ये शेयर लगभग 70 पैसे के लेवल से लगातार बढ़ता चला जा रहा है, तो इसमें किसी भी दिन थोड़ा सा गिरावट या कंसोलिडेशन का फेस देखने को मिल सकता है। तो अगर ये कंसोलिडेशन एक बार चालू हो गया तो आप थोड़ा सा पैनिक कर सकते हैं कि इसमें गिरावट आ गई, आप सोचेंगे आप। हालांकि कंपनी ने इस गिरावट नहीं, क्योंकि सीधी सीधी बात है कि अगर कोई स्टॉक मार्केट का कोई भी शेयर है सीधे बढ़ता तो है नहीं कि एक रात में 1 करोड़पति बन जाए, ऐसा कभी नहीं होता है। तो आपको ये पता होगा कि अगर सीधा कोई शेयर बढ़ रहा है तो उसमें थोड़ा करेक्शन भी लेगा, थोड़ा सा करेक्ट करके अपना फिर दोबारा बढ़ना चालू होगा, तो उसमें भी यही देखने को मिल सकता है। तो अगर आपको प्रॉफिट कमाना है तो आप उसमें यही कीजिए कि 1.90 रुपये या 2 रुपये के आसपास, 1.90 रुपये से अच्छा टारगेट रहेगा इसके लिए। अगर आपने नीचे की लेवल पर बाई कर रखा है तो आप ठीक ठाक प्रॉफिट में होंगे, तो आप इसमें अपना पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करते हुए चलें, ताकि आप जब ये नीचे आए तो दोबारा से इसमें पोजीशन ले लें दोबारा से, तो ये आप डबल प्रॉफिट इससे कमा सकते हैं, तो आप इससे 8000 रुपये कमा लेंगे। तो मेरी आपकी ये एडवाइस है कि आप इसमें पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करें किसमें 1.90 रुपये के लेवल पर, और अगर यहाँ से गिरना चालू होता है तो सबसे अच्छा जो सपोर्ट होगा जो इसको तोड़ना नामुमकिन की तरह है इसके लिए, वो है 1 रुपये का सपोर्ट। इसको तोड़ पाना इसके लिए बहुत मुश्किल काम करने वाला, अगर इस सपोर्ट को तोड़ता है तो जो सबसे नीचे सपोर्ट है वो है 65 पैसे का। इस सपोर्ट को तो ये अगर तोड़ेगा फिर ये बहुत दिक्कत में आ जाएगा, जो अब हम इसकी बात नहीं करेंगे कि 65 पैसे के, ये तो बहुत रेयर केस में। सबसे मेन जो सपोर्ट का काम करने वाला है वो है 1 रुपये का लेवल, और आपको जो अभी फिलहाल का टारगेट है वो मुझे दिख रहा है सबसे बेहतरीन 1.90 रुपये का। और आप इसमें अभी लॉन्ग टर्म के लिए इतना ज़्यादा फोकस ना करें, लॉन्ग टर्म में इसमें इतना ज़्यादा ना देखें कि लॉन्ग टर्म में इसमें इन्वेस्ट करना है, शॉर्ट टर्म के लिए अभी देखें आप और उसमें ठीक ठाक पैसा कमाएं और लॉस ना खाएं। आपका यही मैं आशा करता हूँ कि आप थोड़ा सा इसमें सेफ खेलें ज़्यादा, अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास आप ज़्यादा जो रिस्क नहीं उठा सकते हैं तो उसमें आप थोड़ा सेफ खेलने की कोशिश करें, ज़्यादा इसमें रिस्क ना लें। तो दोस्तों यही है आपकी सलाह कि अगर आपको फ्रेश पोजीशन आपको बनाना है तो फ्रेश पोजीशन आप थोड़ा इसमें थोड़ा नीचे आने का इंतजार करें, क्योंकि ये नीचे आके दोबारा से ऊपर भागने को तैयार हो जाएगा, तो आप नीचे इसमें फ्रेश पोजीशन ले सकते हैं। और आपका टारगेट जो रहेगा अभी 1.90 रुपये का रहेगा अपना टिकटॉक, और उसमें पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग भी आप पढ़ सकते हैं अपने रिस्क के हिसाब से। तो दोस्तों यही तक था हमारा वीडियो, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसी प्रकार से अपना हम पे प्यार बनाए रखिए, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेते हुए अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद एंड थैंक यू।